जाम रोड का ऊपर मारे बकवास चलो नहीं तो भी ज्यादा नुकसान करिए। रुक जा फूफा। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। आखिरकार देखना होगा अब इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया। कार्रवाई रोकने के लिए यो को इस वक्त कहा गया है। देखना होगा क्या जो प्रशासन की जो कार्रवाई है क्या वो रुकती है या कार्रवाई जारी रहती है। देखना होगा कितना सही काम प्रशासन कर पाता है। विधायक जी यहाँ अतिक्रमण की वजह से रोड जाम लगता है, इस बारे में क्या कहेंगे कि प्रशासन कार्रवाई करता है। अरे तो करता ए, है। ए, एक मिनट यो रोड उड़े खाली पड़ा किच्छा कितना रह जाम रोड का ऊपर मारे बक कुछ नहीं। ऐसा पता चलता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कार्रवाई कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो हमारी सरकार के पीछे कौन कौन शासक है। दूसरी जी ने सीधी डीसी साहब से बात करी है तभी मार्केट बंद रहेगी। और भूख हड़ताल जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर है वो भूख हड़ताल पे भी जाएंगे जाएगी। हालांकि बात मुद्दे की यही है, आज जो प्रशासन जो जेसीबी लेकर निकला था पीला पंजा जो चला रहा था वो पीला पंजा थम चुका है, प्रशासन की कार्रवाई रुक चुकी है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का कहना है कि चक्की दादरी की सड़कों पर कोई जाम नहीं लगता, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले कुछ समय के बाद क्या परिस्थितियां यहां बनती हैं, क्या हालात यहां बन पाते हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान पहुंच चुके हैं, दादरी हल्के से विधायक हैं और दुकानदार कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। आखिरकार देखना होगा अब इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये तस्वीरें चक्की दादरी के बस स्टैंड रोड की है। जो दुकानदार है वो अपनी बात विधायक के सामने रख रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब देखना होगा प्रशासन की जो कार्रवाई है वो क्या दिशा लेती है। भाई पीछे पीछे बंद कर दे। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने यो से ये कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। जहां अतिक्रमण है वहां एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चक्की दादरी से सीधी तस्वीरें। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान दादरी हल्के से विधायक है और दुकानदारों के बीच पहुंचे हैं और कार्रवाई रोकने के लिए यो को इस वक्त कहा गया है। देखना होगा क्या जो प्रशासन की जो कार्रवाई है क्या वो रुकती है या कार्रवाई जारी रहती है, सबसे बड़ा सवाल है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान आज लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। आखिरकार जो लगातार जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें चक्की दादरी के बस स्टैंड के सामने की है। काफी ज्यादा आक्रामक रवैया जो हो चुका है ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दादरी हल्के से विधायक सोमवीर सांगवान इस वक्त लोगों के सामने है और कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल है क्या प्रशासन की कार्रवाई रुकेगी या यूं ही जारी रहेगी। दुकानदार इस वक्त बैठ चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त चक्की दादरी से आप देख रहे हैं। सात लोगों के साइड से बात डिस्कस कर लेते हैं क्या अपने अपने लोगों में पूरे शहर में करने बाद में कमाई कर आप सी हो या आपकी पहले मैं पहले बहुत मिशा था रही और भी कोई भला काम लिख रखे दोबारा ही बंद करते मैं करता हूँ साथ में लेके मैं खुद बना ठीक है चलो नहीं होगा तो भी ज्यादा नुकसान करिए। रुक जा फूफा, ये बात करने लगे तो दम हुआ करने लगे। एक मिनट बात सर, पांच आदमी भाई सर, पांच आदमी चलो पांच आदमी माने अपने ऊपर जैसी में तो भेज दे भेज दे या तो भेज दे मैं कहा ला रहे हो जावे पढ़ाई ने और काम पाछा करिए भाई से पीछे कर ले ये भिजवाई दे पीछे कर दे भिजवाई दे या सुख दे मेरा पीछे कर दे भिजवाई दो नक्की करो ये पब्लिक का जाओ भाई अपनी अपनी दुकान में जाओ काम करो भाई अपनी दुकान में काम कर लो अपनी दुकान खोलो चलो ये खाली कर दो रोड जाओ अपनी अपनी दुकान में जाओ मेरे गले काटे बैठो ठीक है जी। बाकी आप अपनी दुकान पर हम सब अपनी दुकान में जाओ हम माफ कर ले मत जाओ बस राजू भी तो है जा नुकसान कर जाना जाओ 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 अपना काम कर लो जाओ प्रधान जी कर ले जाओ करो। इस वक्त निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने प्रशासन की कार्रवाई को फिलहाल रुकवा दिया है, बातचीत करने वाले हैं। आखिर देखना होगा क्या जिला प्रशासन की कार्रवाई रुकती है या नहीं। आखिर देखना होगा कितना सही काम प्रशासन कर पाता है। ये सीधी तस्वीर चक्की दादरी के बस स्टैंड रोड की है। इस हिसाब से बात करेंगे कोई कब्जा कार्रवाई नहीं हो रही। अमन चैन के सार बस रहे हैं सर, गरीब आदमी बड़ा गुजारा कर रहे हैं। पहले पानी ने डूबाने कर तोड़ रखे इनकी
ऊपर था ये एक्रोचमेंट के बहाने से करीब बाद में सोच सुना रहे इसको नहीं होने दे जाकर मैं भी डी सी साहब से बात करके इसको परमानेंट स्टॉप करवा रहा हूं। भाई विधायक जी यहाँ अतिक्रमण की वजह से रोड जाम लगता है, इस बारे में क्या कहेंगे कि प्रशासन कार्रवाई करता है? कमेंट यो रोड उड़े खाली पड़ा किच्छा कितना रह जाम रोड का ऊपर मारे बकवास लोगों का नोट का कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है पूरा शरीफ था नो एक्रोचमेंट ये दुकानों पर चढ़ने के लिए किसी ने छोटी मोटी पगडंडी बन भी रही है इसे रोड जाम थोड़ी हो रहा है। कई बार कुछ भाइयों ने जाके अधिकारियों को मिसगाइड कर दिया उसका परिणाम है आज पूरा शहर जो है रोड के ऊपर चारों तरफ डूबा के कारण पैसे बर्बाद हुए है। अभी डीसी साहब से मैंने कल बोल दिया था अभी जाए मैं कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा यहाँ के रोड तो कोई दिक्कत नहीं रही रुक रही आके एक बार डीसी साहब ने कहा पांच आदमी लेकर वहाँ पहुँच रहे मैं भी साथ व्यापार मंडल के सदस्यों को साथ लेकर के पहुँच रहे व्यापार मंडल सारा व्यापारी है व्यापार मंडल के ऊपर न्यूज ने अलग तो ये सारा व्यापारी मेरे और सारा व्यापार मंडल सागर फिलहाल जा रहे हैं और जो प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको रुकवा दिया गया है। सीधी तस्वीर इस वक्त चरखी दादरी के बस स्टैंड रोड की आप देख पा रहे होंगे जब विधायक से अतिक्रमण के बारे में बातचीत की गई जब विधायक से पूछा गया कि रोड पर जाम रहता है तो विधायक निर्दलीय विधायक सोमवीर सागर का कहना है कि यहां कोई किसी तरह का जाम नहीं लगता सड़कें जो है पूरी तरह से खाली रहती है। इस वक्त निर्दलीय विधायक सोमवीर सागर जो है वो फिलहाल काम यहाँ जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा था उसे रुकवा कर जिला उपायुक्त से मिलने के लिए जा रहा है। नमस्कार। आज प्रशासन कार्रवाई कर रहा था अचानक से रोक दी गई है। देखो हमने पहले मीटिंग में ये कहा था कि हम डीसी महोदय से मिलेंगे सोमवार को, इससे पहले इन्हें करना ही बेतुकी बात थी और मैं तो डीसी साहब को बहुत बढ़िया और ईमानदार अधिकारी मान रहा था लेकिन मुझे नहीं पता ये किसकी सियासत है और मुझे तो ऐसा पता चलता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कार्रवाई कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो हमारी सरकार के पीछे कौन कौन शासक है। अच्छा आपने भी 31-30 तारीख को जो कार्रवाई हुई थी आपने कहा था कि मैं इस पूरी कार्रवाई को रुकवा सकता हूँ कहीं उसका तो असर नहीं है? तो रुकवा सकता हूँ उस दिन रुकी और आज भी रुकी। दुष्यंत जी ने सीधी डीसी साहब से बात करी है तभी वापिस हुई है। मतलब जो कार्रवाई प्रशासन करने निकला था वो जायज नहीं थी? बिल्कुल नाजायज। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ है कार्रवाई? क्या पूरे हिंदुस्तान में आप ये बताओ दो दो फुट की पैड़ी क्योंकि बारिश का पानी दो फुट उसकी दुकानों में घुस है प्रशासन ने कोई इंतजाम कर रखा है? वो ऊंची उठाएगा पैड़ी भी लगाएगा ठीक है और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये कार्रवाई दोबारा से होती है तो आगे क्या कार्रवाई करेगी? आगे पूरी मार्केट बंद रहेगी और भूख हड़ताल जो हमारी कोर कमेटी के मेंबर है वो भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। देखो हम प्रशासन के साथ बिल्कुल नहीं भिड़ेंगे। हम तो अपना अमन और चैन से अपनी कार्रवाई करेंगे और प्रशासन को नाजायज जो कर रहे उसको झुकना पड़ेगा। प्रशासन और व्यापारी मिलके काम करेंगे तो एक आदर्श शहर बनेगा। ये चाहे आप सोच लो चाहे 10 दिन के बाद सोच लो। इसका पानी दुकान में जाता था इसलिए हमने थोड़ी दुकान ऊंची उठवाई है जी और आज प्रशासन ने वो सारी तोड़ दी। बारिश का पानी 3-3 फुट रोड के ऊपर जमा हो जाता है जी, वह दुकान के अंदर पानी पड़ता था इसलिए थोड़ी दुकान ऊंची उठवाई और हमारी सारी वो चौतरे और चौके हमारे तोड़ दिए गए, नारे के पीछे शटर तक तोड़ गए जी। 25,000 रुपए का नुकसान है कम से कम। अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं ये बताओ हमें, ये कति नाजायज कार्रवाई की है जी। जी देखिए दुकानदारों का कहना है कि बारिश की वजह जब जलभराव होता है तो उस पानी से बचने के लिए दुकानों के सामने थोड़ा ऊंचा उठाया गया था ताकि पानी दुकानों में न घुसे व्यवस्था बनी रहे। हालांकि दुकानदारों का आरोप है कि जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है इसलिए प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित ठहरा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी, इसलिए सारे व्यापारी में थोड़ा थोड़ा 3-3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है जी रोडों के ऊपर, इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी पैड़ी बनाई थी और चौतरे ऊंचे करवाए थे जी अपने बचने के लिए, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से उन्होंने गलत कार्रवाई करते शटर के भीतर तक की दुकानें तोड़ गए जी। देखिए 30 तारीख को नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी, दुकानदारों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी, कोई बुनियादी नहीं करवाई गई, जो जायज कार्रवाई बिल्कुल भी प्रशासन की नहीं है क्योंकि प्रशासन को पहले चेतावनी देना चाहिए था, वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन आज प्रशासन ने चेतावनी भी दी है, एक नोटिस भी निकाला था कि दुकानदार अपने दुकान के बाहर सामान ना रखे, लेकिन आज दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। नाले के दूसरी साइड दुकानों की तरफ जो चबूतरे तोड़े गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, दुकानदारों का कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी दुकानदारों के सामने आए, उनसे बातचीत की, उनसे मिले और कहा कि पांच सदस्यों के साथ जिला उपायुक्त से मिला जाएगा और जो कार्रवाई हो रही है उस बारे में बातचीत
की जाएगी। हालांकि बात मुद्दे की यही है, आज जो प्रशासन जो जेसीबी लेकर निकला था, पीला पंजा जो चला रहा था, वो पीला पंजा थम चुका है, प्रशासन की कार्रवाई रुक चुकी है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का कहना है कि चरखी दादरी की सड़कों पर कोई जाम नहीं लगता, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले कुछ समय के बाद क्या परिस्थितियां यहां बनती हैं, क्या हालात यहां बन पाते हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।